नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आज हमने चर्चा के लिए जिनको आमंत्रित किया है वो मध्य प्रदेश की पहली AIMIM की निर्वाचित पार्षद हैं, श्रीमती अरुणा उपाध्याय। अरुणा जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। अरुणा जी, हम हल्की फुल्की चर्चाएं अभी राजनीतिक जो आगामी विधानसभा चुनाव उनको लेकर कर रहे हैं, और AIMIM की मध्य प्रदेश में अभी नई नई एंट्री हुई है जी, और खरगोन नगर पालिका में आप पार्टी की पहली महिला पार्षद के रूप में निर्वाचित हुई। एक मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली AIMIM, उसमें आपका आना हुआ? सर, पहले तो मैं जाति प्रथा को मानती नहीं हूँ कि हिंदू क्या मुसलमान क्या, मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते इस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीत के भी आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वार्ड में मुस्लिम समाज ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मैं एक हिंदू होकर इस पार्टी से लड़ी और मैंने जीत हासिल करी। तो जाति प्रथा तो यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं आती है। परिवार में भी तो लोगों ने कहा होगा कि कहाँ वहाँ लड़ने चुनाव जा रही हो, ये वो है, काफ़ी रुकावटें भी आई होंगी। हाँ, काफ़ी रुकावटें भी आई, यहाँ तक कि परिवार वालों ने तो बात करना भी बंद कर दिया था, लेकिन मुझे खुद पर इतना विश्वास था कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के लिए अच्छा करना चाहता है तो उसके लिए पूरी कायनात अपना साथ देती है, तो वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मेरे खुद के कॉन्फिडेंस ने भी मुझे साथ दिया, और मैं तो यही चाहूँगी कि मैं हमेशा जनता के लिए कुछ अच्छा करूँ और हमेशा जो आए दिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, सांप्रदायिकता सद्भावना बनाए रखना चाहती हूँ मैं, और वही हो भी रहा है कि हमारे खरगोन के सारे दंगे शांत हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हिंदू मुसलमान फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रह रहे थे। लेकिन आपके जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके जो भाषण होते हैं, उनके छोटे भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उनके जो भाषण होते हैं जी, उनमें देखा जाए तो बहुत सी बातें तो हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर ही होती हैं। सर, ये वो उनके विचारधारणा है, मेरी विचारधारणा कुछ अलग है। नहीं, लेकिन पार्टी से आपकी विचारधारा अलग तो हो नहीं सकती। नहीं, पार्टी से विचारधारणा अलग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके भाषण किस प्रकार से है। हो सकता है कि उनके भाषण में कुछ और भी सुधारजनक बातें हो, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तो गलत नहीं है ना, मैं भी मेरी जगह सही हूँ। मेरे कोई भी शब्द ऐसे नहीं होते हैं जो किसी को चुभे या बुरा लगे। अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर पार्षद बनी हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जनता का भला चाहती हूँ और हमेशा भला ही चाहूँगी। ये नहीं चाहूँगी कि मेरे कुछ शब्द उनको चुभे, और अगर चुभते भी है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरी कुछ चीज़ें उन्हें या बातें कुछ बुरी लगती है तो मुझे माफ़ किया जाए। लेकिन खरगोन नगर पालिका में AIMIM के 3 पार्षद हैं जी, और विगत मेले में जो आपकी भूमिका देखी गई तो ऐसा लगा कि एक दबंग पार्षद के रूप में अरुणा उपाध्याय की एंट्री हुई है जी। क्या मामला था वो? वो मामला ये था कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था कि मेरी फ़ोटो नीचे लगाई जाए वहाँ पर। आप ठीक है, पार्टी के हिसाब से अगर व्यक्ति को रखते हो कि पहले ये पार्टी आएगी फिर वो पार्टी आएगी, आपकी पार्टी सबसे बात की है तो आप सबसे आपकी फ़ोटो सबसे नीचे लगेगी, वो ठीक है, मुझे कोई, मेरा स्थान जहाँ है मैं वहीं ठीक हूँ। बट मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने ऐसी जगह मेरी फ़ोटो लगाई जहाँ पर लोग मेरा अपमान करके जा सकते थे, गंदा पानी फेंक के जा सकते थे, गुटखा पाउच खा के थूक के जा सकते थे। तो मेरा मान सम्मान बचाने के लिए मैं अपनी तस्वीर फाड़ के मेरे घर ले आई और वहाँ पर मैंने अपनी इतनी उपस्थिति दी कि वो खुद मेले वाले जानने लग गए कि अरुणा उपाध्याय है, वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद है। अरुणा जी, आप पार्टी की पहली प्रत्याशी हैं जो निर्वाचित रूप से पार्षद बनी हैं, और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ है AIMIM का। एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है,
क्या पार्टी हाईकमान ने आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको निभाना है? आगामी चुनाव को लेकर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है और आगे ले जाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी और अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करूँगी। अब बाकी तो सारा उन पर डिपेंड है, हमारे पार्टी के हाईकमान ओवैसी साहब के ऊपर है कि वो मुझे आगे ले जाएंगे या ना ले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें यहाँ से टिकट मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूँगी। हमारे साथ दलित, आदिवासी, मोमेडियन सारे लोग हमारे साथ है, तो मैं यही चाहूँगी कि अगर वो मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी चुनाव। अरुणा जी, अभी विधानसभा चुनाव जो नज़दीकी हैं 2023, उसमें खरगोन विधानसभा सीट से आपका ही नाम सुनने में आ रहा है, और इस स्थिति में जब आप चुनाव क्षेत्र में जाएंगी, मान लीजिए पार्टी ने आपको अधिकृत करते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके लिए दुश्मन नंबर वन कौन होगा, कांग्रेस या भाजपा? सर, इसमें दुश्मनी की क्या बात है, चुनाव तो लड़ेंगे। अब हार और जीत तो चलती रहती है, अभी भी हमने चुनाव लड़ा तो उसमें भी हम काफ़ी लोग आमने सामने थे, तो दुश्मनी कहाँ से है, तो चुनाव लड़ेंगे। कोई भी इसमें हार भी सकता है और जीत भी सकता है। फिर भी राजनीतिक रूप से आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानती हैं सबसे ज्यादा, कांग्रेस को या भाजपा को? सर, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, जनता है, जनता के ऊपर रहता है ये, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। निमाड़ क्षेत्र जो ज़्यादातर मजदूर और किसान वर्ग रहा है यहाँ पे, शहरी क्षेत्र में भी अधिकांश आबादी किसानों की, कहीं ना किसी प्रकार से वो खेती से जुड़े हुए हैं। नगर पालिका पार्षद के रूप में आप खरगोन शहर में किन मुद्दों को देखती हैं जिनको हल किया जाना जरूरी, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो जब आप दौरे पे जाती हैं या आप शहर में घूमती हैं तो आपको वो समस्याएं दिखती हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर जो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, मैं मेरे वार्ड की बता रही हूँ, वैसे तो मैं सारे खरगोन में घूमती रहती हूँ लेकिन मैं मेरे वार्ड का बताती हूँ कि मेरे वार्ड में पानी की बहुत किल्लत है, और मैं चाहती हूँ कि उसमें साफ़ सफाई वगैरह भी अच्छे से, अब तो खैर मैं पार्षद बनी हूँ जब से, हमेशा रेगुलर करवा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर उन सभी आवश्यकताओं की ज़रूरत है जो होना चाहिए, जैसे पानी है, नालियाँ हैं, फिर से लगा के बिजली के पोल है। हमारे यहाँ पर एक स्थान ऐसा है वार्ड क्रमांक 2 में गुलाब नगर में कि जहाँ पर तार लटक रहे हैं उन पर महिलाएँ कपड़े डाल रही हैं, लेकिन वहाँ पर पोल अभी तक नहीं लगाए गए हैं बिजली के, जहाँ पर दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो बदली जाए, वहाँ पर विकास किया जाए, और मैं उन विकास करवाने के इसमें हमेशा लगी हूँ। जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से मैंने वार्ड में बहुत कुछ करा है, आप चाहे तो कभी भी विजिट कर सकते हैं मेरे वार्ड में। और बहुत सी चीज़ें मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे हमारे वार्ड में महिलाएं पुरुष के लिए हमेशा शौचालय वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं ये भी चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर महिलाएं मेरे वार्ड में अगर जाती है तो वो बिल्कुल निश्चित हो के जाए कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश भी होना है, वॉशरूम भी जाना है, तो वो चीज़ें भी मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में हो। बहुत अच्छी बात कही आपने, सही में शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए सुविधाघर नहीं है और इस स्थितियों में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने जिस समय पार्षद का चुनाव लड़ा, एक तो मैंने बताया कि जैसे मुस्लिम पार्टी कही जाने वाली AIMIM जी, और आप एक दूसरे वर्ग विशेष से संबंधित हैं, जब आप चुनाव में खड़ी हुई तो आपको ये विश्वास था कि दोनों पक्ष जो हैं वो आपके पक्ष में मतदान के लिए आएंगे? सर, 6 कैंडिडेट थे आपके? 6 कैंडिडेट थे हम जी। सर, ऐसा था कि अगर इंसान को अगर ऐसा लगता है अंदर से कि मैं इंसान जनता के लिए कुछ कर सकूंगी, और जनता को अगर इंसान विश्वास दिलाता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो फिर उसे क्यों नहीं उसे जीत क्यों नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने जो कहा था वो मैं करके दिखा रही हूँ। पिछले 8-9 महीने से मैंने जो कहा था वो मैं सारी चीज़ें मैंने करके बताई, पाइपलाइन डलवाई है, सड़कें बनवाई है, CC रोड बनवाए हैं, डामर रोड बनवाए हैं, यहाँ तक कि रेगुलर साफ़ सफाई भी करवाती हूँ मैं,
और बहुत सी चीज़ें ऐसी करवाई है, लाइटें वगैरह बहुत सी बंद पड़ी थी उनको उनको लगवाया है, यहाँ तक कि डस्टबिन तक रखवाए हैं मंदिरों में, फिर से लगा के डोर टू डोर गाड़ियाँ चालू करवाई है। अभी कुछ दिनों में मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, आगे 5 सालों में मैं कितना कर पाऊँगी ये मैं अभी तो नहीं बोल सकती हूँ, पर आने वाला वक्त जरूर बताएगा। जैसा कि पेशे से आप ब्यूटीशियन हैं और आपका ये एक सपना भी है कि इस खरगोन शहर के जो बदनुमा जो सूरत है उसको एक सुंदर खूबसूरत बनाया जाए, उसके लिए आप प्रयास भी कर रही हैं, आपने अपने वार्ड से ये शुरुआत कर भी दी है। और जैसे कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी ये जो सुधार का जो कारवां है ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैलेगा, क्योंकि पार्टी ये माना जा रहा है कि विधानसभा के लिए आपको अधिकृत कर सकती है, ऐसी चर्चाएं भी शहर में चल रही हैं। कांग्रेस आपकी उपस्थिति में, AIMIM की उपस्थिति में और आपके अधिकृत होने की स्थिति में कांग्रेस सबसे बड़े नुकसान के रूप में आपको देख रही है, ऐसा क्यों? सर ये उनका नजरिया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके आने से जो अल्पसंख्यक वोट हैं जी उनका झुकाव कांग्रेस की ओर से हटके आपकी ओर आएगा, इस स्थिति में कांग्रेस को नुकसान है। सर इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती अभी फिलहाल, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि ये उनकी सोच है। नहीं लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अल्पसंख्यक वोट आपकी ओर आकर्षित होंगे अगर आप उम्मीदवार? क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। क्या कारण होंगे उसके? उसके कारण बहुत से हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन बीते वक्त में दंगे हुए जी, और बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो वो नहीं कर पाए है ना, जो अब हम करवा रहे हैं ये भी हो सकता है। हाँ सही, खरगोन में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस समय दोनों समूह के बीच में दूरियां बढ़ी थी और धीरे धीरे जो दंगों की आग थी वो बुझ भी गई जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि आप लोगों ने उस समय भी काफी प्रयास किए, तो कैसे आपने जो आपसी मन मुटाव था इसको दूर करने के लिए उस समय क्या करना पड़ा आपको, जो दोनों पक्ष दंगे की आग में जल रहे थे एक दूसरे से दूर हो गए थे उनको वापस में जोड़ने के लिए आपने क्या प्रयास किया, क्योंकि आप जिस वार्ड से लड़ी हैं? जी हाँ, सबसे ज्यादा दंगे तो मेरे ही वार्ड से हुए हैं जी। सर प्रयास क्या है, सांप्रदायिकता सद्भावनाएं लाए और क्या, उनको इकट्ठा किया और अच्छे से अभी भी अच्छे से ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हो गया बीत गया है उसे दोहराया ना जाए, बस यही कोशिश की हमने। और सचमुच हम भी यही चाहेंगे कि आप जो खरगोन के कुछ जो चेहरे पे दाग लगे उनको धोने का जो प्रयास कर रही हैं उसमें आप सफल हों। AIMIM की पार्षद और दबंग नेता अरुणा उपाध्याय से हमारी चर्चा अभी जारी रहेगी, अभी फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक बार फिर सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं AIMIM की महिला पार्षद श्रीमती अरुणा उपाध्याय और उनसे हम आगामी चुनाव में AIMIM की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी, क्या वो अपने प्रत्याशी उतारेगी और उतारेगी तो किन स्थितियों तक वो पहुंचने में सफल होंगे, इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अरुणा जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरुणा जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अमूमन देखा गया कि भाजपा और कांग्रेस दो ही के बीच में टक्कर होती है, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है, ऐसी चर्चाएँ हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेगी जी। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी, क्या प्रदेश का मतदाता आपकी पार्टी से आकर्षित होगा, क्या आपको वोट मिलेंगे, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? सर हमारे यहाँ तो कुल मिला के 50 सीटें उतर सकती है, 33 सीटों पे हमारा सर्वे हो चुका है जी। आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन सब पे हमारा गठबंधन हो चुका है और बाकी जितनी भी आसपास की खरगोन जिले की सीटें हैं उस पे हमारा गठबंधन चल रहा है और कुल मिला के 50 सीटें तो उतरेगी ही उतरेगी हमारे खरगोन जिले में। क्या स्थिति होगी, कितनी सीटें जीतने की बात का विचार रखते हैं आप लोग?
सर क्यों नहीं, जीत पाएंगे ना, जरूर जीतेंगे हम, 10 से 12 सीटें तो आराम से आ जाएगी। अच्छा अरुणा जी, आप खरगोन से चुनाव लड़ने जा रही हैं जी, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भाजपा और कांग्रेस ये दो पार्टियां आपके सामने होंगी, आप इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस पार्टी से समझते हैं? और जैसे भाजपा का दावा है कि उसने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, कांग्रेस में भी कमलनाथ ने कहा है कि हम हर महिला को 1500 रुपये नारी सम्मान देंगे, शिवराज सिंह ने कहा हम 1000 लाडली बहना को देंगे, कमलनाथ ने कहा हम 500 का सिलेंडर देंगे, ऐसी घोषणाएँ अभी जो फ्री की घोषणाएँ हो रही हैं, जो अनुदान टाइप की ऐसी घोषणाएँ हो रही हैं, उस स्थिति में आपकी पार्टी कितना मुकाबला कर सकेगी इन दोनों राजनीतिक दलों का? सर देखिए, सर जो दावे किए जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी के ओवैसी साहब भी है वो भी करके बताएंगे, लेकिन बस वो खुल के सामने अभी आ नहीं रहे हैं। आपका भी जो चुनावी जो भी एजेंडा है वो तय नहीं हो पाया? तय भी हो चुका है, लेकिन जल्दी ही आएंगे सामने, हम भी हमारे जो हम करके दिखा सकते हैं वही चीज़ें हम बोलेंगे, कोई दाएँ नहीं रखेंगे कि हमको ऐसा करना है या वैसा करना है, जल्द ही हम भी हमारी जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें हम जरूर रखेंगे। मतलब कुछ ठोस बातें लेकर के आप? जी हाँ जरूर, कुछ ठोस बातें मुद्दे सारी चीज़ें सामने आएंगी। खरगोन विधानसभा से जैसे हमने कहा कि अगर आपका नाम चल रहा है, आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव में उतरेंगी? अगर हाईकमांड पार्टी के ओवैसी साहब ने मुझे इस लायक समझा तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहूंगी, और खरगोन को सुंदर बनाना, जरूर चाहूंगी कि खरगोन सुंदर बने, जो पहले नई चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें हो, बस उस लायक मुझे समझा जाएगा तो मैं जरूर लड़ूंगी। अब ये सारी चीजें हमारे हाई कमांड ओवैसी साहब के ऊपर है। अच्छा अरुणा जी, खरगोन में कई समस्याएं बहुत सारी आपने देखी भी हैं, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, ऐसी कुछ चीजें भी यहाँ पे होनी चाहिए, मांग है आम जनता में जी। आप अगर मान लीजिए यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ती है, सक्सेस होती है जी, तो आप सबसे पहले कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? आपने पेयजल वगैरह काफी कुछ बताया जी, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो जिसको आप प्राथमिकता से पहले हल करेंगे? शिक्षा जी, शिक्षा सबसे जरूरी है आने वाले वक्त के लिए भी, तो शिक्षा को ही सबसे ज्यादा मायने दिए जाएंगे, तो मैं यही चाहूंगी कि यहाँ पर वो सारी चीजें हो जो होना चाहिए, जो दूसरी जगह है वो खरगोन जिले में भी होना चाहिए। अरुणा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ आई, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रम में आती रहें जी। आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। ये थी श्रीमती अरुणा उपाध्याय, AIMIM की महिला पार्षद, जय भीम, जो कि प्रदेश में पहली बार कोई महिला है जो AIMIM की ओर से निर्वाचित होकर के आई हैं, और खरगोन विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाए जाने के आगामी विधानसभा चुनाव में चर्चाएं भी चल रही है। इसी प्रकार से हम राजनीतिक विषयों को लेकर नेताजी हाजिर होकर मंच से आपके प्रश्न उठाते रहेंगे, उन समस्याओं को लेकर बात करते रहेंगे, साथ ही उन दलों की रणनीति क्या होगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उस पर निरंतर चर्चा जारी रहेगी। अब हम आपसे अनुमति लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।